के निवासी हैं, पंजाब, हरियाणा और भी बहुत सारे अलग अलग स्टेट के हैं। काफ़ी मेरे पीछे भी अच्छा रिस्पांस दिया था जब पुष्कर मेला 2022-21, उससे पहले भी 2018 में भी अच्छा रिस्पांस मिला था, 2017 में भी अच्छा रिस्पांस मिला था मेरे दूसरे चैनल पर। मैं उन सभी दोस्तों का स्वागत करता हूँ, जो भी नए जुड़ रहे हैं उनका भी स्वागत है दिल से करता हूँ। पुष्कर मेले की अपडेट दे रहा हूँ आपको। काफ़ी कमेंट आते हैं मेरे पास कि पुष्कर मेला कब लगेगा, कौन सी तारीख को लगेगा। दोस्तों तारीख तो अभी फाइनल नहीं हुई है, लेकिन जो पुष्कर मेला लगेगा वो लगभग नवंबर दिसंबर के इन 2 महीनों में लगेगा। और ये दोस्तों पिछले टाइम जो पुष्कर मेले पर बैन लगा हुआ था, पुलिस प्रशासन और जो प्रशासन अधिकारी हैं वहाँ के पुष्कर के, उन्होंने अभी रोक दिया था कुछ बीमारी की वजह से, लेकिन इस बार कोई भी बीमारी नहीं है। जो भी पशु है वो लेकर आना चाहता है वो नवंबर तक लेकर आ जाए पुष्कर, और पुष्कर में बहुत ही शानदार मेला होगा ये पशु मेला। और जो भी अलग अलग मेले लगते हैं पुष्कर में, आप जो भी पेपेस्ट बार आ रहे हैं वो ज़रूर मुझे कमेंट करें, कमेंट करने पर हम वहाँ मुलाकात करेंगे। और इस बार पुष्कर मेला लगेगा दोस्तों, जो काफ़ी इंतज़ार कर रहे हैं दोस्तों, पुष्कर मेला 100% लगेगा, क्योंकि पुष्कर मेला है भी सबसे बढ़िया और सबसे, आपको बता रहा हूँ, सबसे बड़ा पुष्कर मेला है। इसलिए आपको सोचना नहीं चाहिए, पुष्कर मेले में ज़रूर पहुंचना चाहिए। और भी कोई अपडेट रहेगी ऑफिशियल तो मैं आपको सबसे पहले दूंगा। पुष्कर मेले के लिए मेरे चैनल पर बने रहे, मैं पुष्कर मेले की हर अपडेट आपको बताता रहूँगा आगे भी। और जो भी, जैसे कि ये नवंबर दिसंबर में लगेगा, उसके दिसंबर का अंत है, और जैसे समारोह सुबह उसका जो शुरू होगा उद्घाटन वहाँ से वो होगा नवंबर में फर्स्ट में, और दिसंबर के अंत में वो समाप्त हो जाएगा। इसलिए मैं और भी अपडेट दे दूंगा आपको, बने रहे नूर एक्सप्रेस पर। शुक्रिया।